नमस्ते दोस्तों, अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं डायबिटिक के लिए कुछ आसन बताऊंगा जो बड़ा काम का है। इसको सीरीज वाइज करेंगे, तो अभी फर्स्ट सीरीज में हम जो डायबिटिक्स के लिए आप कर सकते हैं उसको बता देते हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यायाम को शुरू करने के पहले हमें सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने गर्दन का एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। तो सबसे पहले आप जो है सांस को छोड़ते हुए अपने गर्दन को धीरे 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 अपनी ठुड्डे को या गर्दन से सटा देंगे। पुनः सांस भरते हुए धीरे 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 उठाते हुए अपने गर्दन को झुकाएंगे जो 90 डिग्री तक चली जाए। ये ठुड्डी आपकी 90 डिग्री पर आनी चाहिए। पुनः एक बार नीचे करेंगे। ये 5 बार आप लोगों को करना है, लेकिन कई आसन बता गए इसलिए थोड़ा हम 1 या 2 बार ही करेंगे। इसके बाद अपने इस गर्दन को हमें बाएं शोल्डर की तरफ घुमाना है और कोशिश करनी चाहिए कि ये 90 डिग्री पर आ जाए। पुनः सांस को छोड़ते हुए हम अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे और दाहिनी तरफ अपनी मूवमेंट करेंगे। ये 90 डिग्री तक ये आ जाए। इसके बाद हम आगे की तरफ झुकाएंगे, पहले बाएं, ये हाफ सर्कल इसको बोलते हैं, ये हाफ सर्कल हम करेंगे और इसी तरह हम पीछे भी हाफ सर्कल करते हैं। पुनः अपने हम शोल्डर्स को की थोड़ा मूवमेंट करेंगे, अपने कंधों पर हाथ रखेंगे और इसमें भी 2 वेरिएशन है। एक तो हम ऐसे करते हैं, स्थिर सुखम आसन, इसलिए हम जब आसन की तरफ बढ़ते हैं तो जिसमें हमें आराम मिले और वो धीरे धीरे करेंगे। अगर हम जल्दी जल्दी करते हैं तो वो व्यायाम की स्थिति में आ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, अभी से हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने शोल्डर्स को पूरा अपनी डायग्राम को खोलेंगे। सब सांसों पर चलेगी। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये अंदर करेंगे, इसके बाद हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और इस तरह करेंगे। डायग्राम पूरी इसमें फैलाव आएगी, ऑक्सीजन हमारे चेस्ट में ज्यादा आएगा। पुनः हम अपने मेन आसन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हम पहले से ही वज्रासन पे बैठे हुए हैं, तो जिसे वज्रासन पर बैठने में तकलीफ हो पहले सूक्ष्म व्यायाम के लिए कोई भी साधारण आसन पे बैठ सकता है और मैं उसके बाद वज्रासन पर आ जाए। वज्रासन मतलब ये अपने पैरों को आप यहां से मोड़ेंगे और इसी पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम मंडूकासन करते हैं, इसमें भी 3 वेरिएशन होता है। तो हम अपनी उंगलियों को ऐसे अंगूठी बंद करेंगे और अपनी नाभि के दोनों साइड में लगा लेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ झुकेंगे और धीरे धीरे ही जाएंगे और सांस भरते हुए वापस आना है। ये कम से कम आप 5 बार ऐसे करेंगे। अब इसका दूसरा वेरिएशन, हम अपनी बाएं हथेली को अपने नाभि के ऊपर रखते हैं, दाहिने को इसके ऊपर रख देते हैं और पुनः उसी प्रक्रिया करते हुए सांस को पूरी बाहर उतना देर हम वह प्राणायाम करते रहेंगे। उतनी देर सांसों को रोके रहेंगे, कोशिश से करें कम से कम 30 सेकंड तक ही आ जाए। अब हमारी दाहिनी नाभि के नीचे गई और ये बायां से ऊपर आ गया। पुनः उसी क्रिया को हम करेंगे। यहां निवारक प्राणायाम करते हुए 30 सेकेंड कम से कम रुकेंगे।
सांसों को भरते हुए वापस। इसमें एक एडवांस प्रक्रिया है, उसे भी आप देख लें। आप ऐसे मुट्ठियों को, अपने अंगूठे को तौली के अंदर आ जाएंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे और यहां लगाएंगे और सांस को उसी प्रक्रिया के द्वारा बाहर कर लेंगे। इससे भी कोशिश करनी चाहिए कि 30 स्ट्रोक हम कम से कम ले लें। पुनः इसी प्रक्रिया में आते हुए हम अपने पैरों को फैलाएंगे, पहले दाहिने पैरों को फैलाएंगे और ये अपने मूल स्थान पर जित हो जाए और अपनी आंख की स्पाइनल कार्ड सीधी रहनी चाहिए, ये पैर पूरा सीधा होना चाहिए। और डायरेक्ट तो ये तरीका होता है कि हम ऐसे टच करें, लेकिन यदि आप शुरुआत में हैं तो थोड़ा थोड़ा आप जो है इस तरह कर लें। यह ध्यान रखना है कि जो हमारी फोल्डिंग होगी वह कमर के साइड से होगी, पीठ के इस तरह आपको आना है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद अब हम अपनी या अंगूठे को या इसको जिससे भी आपको आराम मिले, अपनी सांसों को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ जितना भी झुक सकते हैं झुकेंगे। पैर आपका सीधा रहेगा, धीरे धीरे आप नीचे झुकते चले चल जाएंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितनी जाए उतनी। वही प्रक्रिया मूलाधार के पास ये पैर लगाएंगे और सीधा करेंगे और इससे भी वही प्रक्रिया हम ये। इसके बाद हम सांसों को अपने छोड़ते हुए अपनी नाक से अपने घुटने को छूने का प्रयास करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। अब इसको दोनों पैरों से, ये बैंड यहां से होना है, यहां ऐसे बैंड नहीं करना है, ये बैंड यहां से होना है। जितना हो सके उतना। अब इसी प्रक्रिया में हम अपने दाहिने पैर को अपने घुटने के पास ले आते हैं और जो हमारी सीधी हाथ यानी अपोजिट जो हाथ उठा जाएगा वही हाथ पीछे, जो ये जिस पैर को हम ऐसे उठाए वही हाथ हमारी पीछे जाएगी और इस हाथ को पहले हम ऊपर उठाएंगे और ये ट्विस्ट करते हुए हम 90 डिग्री तक अपने गर्दन को लाने की कोशिश करेंगे। हमने सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन का इसीलिए प्रयोग किया था। सांस पूरी बाहर 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। पुनः दूसरे पैर से घुटने के पास लाया, जो हमारा घुटना उठाया वही हाथ पीछे गया, हमने अपने दाहिने हाथ को उठाया और ये थोड़ा सा घुमाते हुए इस पैर को हमने पकड़ लिया। थर्टी सेकेंड ये भी करना है। पुनः हम अपनी पैरों की स्थिति इस तरह बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों हमारी स्थिति ऐसी बनी रहे। इसमें जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वही हाथ हम ऊपर उठाएंगे और पीछे ये हम अपने उंगलियों को पकड़ लेंगे। इसी स्थिति में आप बने रहेंगे। पुनः अब हम दूसरे पैर से करेंगे तो थोड़ा बैक हो जाते ताकि पीछे की भी कंडीशन आपको दिख जाए। अब ये पैर हम जो है उल्टा कर लिए
और इन हाथों को पीछे किए, ये ऐसे ऐसे ज्वाइंट करना और आप पूरी तरह से जमीन पर बैठे रहेंगे, आपका नितंब जमीन पर पृथ्वी पर सटा हुआ रहेगा। उसी में स्थिति में आप अपने इन पैरों को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को यहां क्रॉस करेंगे और जो वक्रासन की ये दूसरी स्थिति है, ये हम अपने हाथ को पहले से ही पीछे साइड रख लेंगे। जो हाँ, इसमें जो घुटना हमारा ऊपर रहेगा वही हाथ पीछे की साइड में रहेगा, अपोजिट को उठाएंगे और ये अपनी हाथों से अपने ये पंजों को पकड़ लेंगे। अच्छी स्थिति में तो आप ऐसे रख भी सकते हैं, लेकिन जितना आपसे हो सके पोस्चर सही होनी चाहिए। सांस पूरी बाहर, पूरी स्पाइनल कॉर्ड आपकी ट्विस्ट कर जाएगी। 30 सेकेंड्स पर होल्ड करें, वापस स्थिति में आ जाए। पुनः आप अपोजिट करेंगे, ये हमने पैर को रख लिया, ये हाथ उठाया और ये एक और स्थिति है। ये आप ऐसे बैठ जाए, बटरफ्लाई ना करें क्योंकि वो आगे चल के दिक्कत होगी। आप इस तरह बैठे और दोनों हाथों उंगलियों को अपने फंसाते हुए पंजों में इस तरह पकड़ने हैं और स्पाइनल कार्ड से गिरते हुए सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, जितना झुक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर हम बनाएंगे तो इसमें और भी क्या हम आसन कर सकते हैं वो बताया जाएगा। धन्यवाद, आप सबने अनिल केसरी योगा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।